खाई ना दे रहा है इसलिए तो मजबूर हूँ। अरे मिस चौटाला, हम हैं तो क्या गम है, हम आपके हैं ना। हमारा मतलब है हम आपके साथ हैं ना। आपको दिखाई ना दे रहा है लेकिन हम तो सब कुछ देख सकते हैं, हम आपका सहारा बनेंगे। आई कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। ऑफकोर्स सर को तो इतना साफ साफ दिख रहा है, मतलब इतनी साफ साफ वो लड़की दिखाई दी सर को कि सर बेहोश हो गए। शट अप, हम बेहोश नहीं हुए थे बे। मतलब हम बेहोश हुए थे लेकिन डर के बेहोश नहीं हुए थे, भूख के कारण बेहोश हो गए थे मिस चौटाला। क्या है ना, हमारी जिंदगी में कोई कन्या नहीं है ना जो हमें लाड़ प्यार से खिलाए पिलाए, पूछे हाउ आर यू, कुछ खाया पिया या नहीं। हम चले गए थे भूखे प्यासे वहां पर और भूख के कारण बेहोश हो गए। डरे नहीं थे बे? सर एक बात बताइए, वो जो पेंटिंग में जो छोरी थी वो वही थी जो आपने देखी? हाँ मिस चौटाला, वो वही छोरी थी पेंटिंग वाली, बहुत ही डरावनी थी मिस चौटाला, हम तो देखकर उसे बहुत डर गए। हमारा मतलब है ये दोनों डर गए थे, बेहोश हो गए थे, हम ना डरे। Well, अगर ऐसी है बात इसदा, उसी जाके पकड़िए आज रात इसदा। हाँ यो सही है सर, आप एक काम करिए, आप वो फिर से जाइए उस बंगलों में और वो छोरी अगर दिख जाए तो पकड़ के लेके आइए सर। Yes! हम? Yes, sir. हम जाएंगे, लाएंगे, हम पकड़ेंगे, पकड़ेंगे हम उस छोरी को और लेकर आएंगे यहाँ पर कान पकड़कर, वो पेंटिंग वाली छोरी ना, हम लेकर आएंगे उसे, पेंटिंग वाली छोरी को। जरा खाना ठीक से खा के जाइएगा सर। ऑर्डर करो बे, खाना ऑर्डर करो जल्दी, चलो जल्दी। बहुत सारा मंगाता हूँ सर। कहाँ है भाई ये पेंटिंग वाली लड़की है, कब दिखेगी, कब आएगी, हम कब दर्शन करेंगे उसके, समझ में नहीं आ रहा। नींद हराम कर दिया हमारा उसने। डर तो बहुत लग रहा है लेकिन उसे पकड़ना तो होगा, आज तो छोड़ेंगे नहीं उसको। जय बजरंगबली, 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 जय बजरंगबली। अबे कोई नहीं बचाएगा तुमको हमसे, ये बजरंग पांडे की है पकड़ जो निकाल देती है अच्छे अच्छों की अकड़। भैया मेरी कलाई मरोड़ दी, मेरी चूड़ी तोड़ दी, मैं 16 साल की हूँ। अबे कौन हो बे तुम? मैं दिलरुबा हूँ, मैं 16 साल की हूँ। वो सब ठीक है, कौन सी दिलरुबा, कहाँ की दिलरुबा, कैसी दिलरुबा बे? अरे मैं हूँ दिलरुबा, दिलरुबा धोबन, खेल उठा है मेरा जोबन, मैं 16 साल की हूँ। 16 साल की लग रही हो लेकिन यहाँ क्या कर रही हो उस वक्त? मैं रोज रात को यहाँ से जाती हूँ, दीवार बांध के जाती हूँ, कुएं पे जाके कपड़े धोती हूँ, फिर घर जाती हूँ, घर जाके सोती हूँ, मैं 16 साल की हूँ। तुमने मेरी कलाई मरोड़ी, अब मजाक चखाऊंगी मैं तुमका, गवाह है मेरी नथुनी पायल झुमका। नहीं देखिए मैडम, जरा गलती हो गई, गलत फहमी हो गई, गलती से हमने आपको पकड़ लिया, जकड़ लिया, हमारा ऐसा मतलब नहीं था ये सब करने का, समझे? मुन्ना कहाँ है, हम बोल रहे ना हमसे माफी मांग रहे आपसे, मुन्ना मुन्ना छोड़िए, बच्चे को सोने दीजिए, दूध पी के आराम से सो रहा होगा, ऐश कर रहा होगा, गो टू स्लीप टाटा। वो तुम्हें याद दिलाएगा छठी का दूध, जब आएगा हमारा मुन्ना वो करेगा तुम्हारा टुन टुन टुन्ना, मैं 16 साल की हूँ। देखिए देखिए 16 साल की अम्मा, हम बच्चों पे हाथ नहीं ना उठाते, हमारी कमजोरी है ये। लेकिन वो बड़ों पे हाथ उठाता है, मैं 16 साल की हूँ। मुन्ना सोने दीजिए मुन्ना को, मुन्ना मुन्ना कहे बुला रही हो, सोने दीजिए, आराम करिए, गलती होगी बस होगी, गलती सबसे हो ये मुन्ना है।
सर यहाँ एक भूतड़ा यार गोपी सर आई नहीं यार वापस रात को, तो चंचल को पकड़ने गए थे और गोपी कहीं वो चंचल का शिकार तो नहीं हो गए? कहीं सर की भी कोई पेंटिंग तो नहीं बन गई? Well, anything can happen is the, कहीं सर का बच तो नहीं गया बैंड is the? हाँ यार सर सर अरे सर ये क्या क्या हो गया सर, ये क्या हाल बना लिया है सर आपने? सर किसने आपका ये हाल बनाया है सर बताइए किसने आपका ये हाल बनाया है सर, मैं उसको थैंक यू बोलूंगा। अबे अगर हमारे हाथ में ताकत होती ना तो इतना जोर से रपटा मारते तुम्हारे चेहरे पर। सर मेरे कहने का मतलब वो नहीं है सर, मेरे कहने का मतलब है कि सर मैं उसकी खबर लूंगा सर, छोड़ूंगा नहीं उसको। या सर खोल रहा है मेरा पंजाबी खून इस दा, मई के बाद आता है जून इस दा। सर ये सर आप तो चंचल को पकड़ने गए थे सर, ये किसे पकड़ रहा है सर आप? ए बाबू मैं दिलरुबा हूँ। दिलरुबा जालिम दिलरुबा। चल हट। छेड़ो छेड़ो और छेड़ो, जितना ज्यादा छेड़ोगे ना उसे उतना अच्छा लगता है। छेड़ो छेड़ो सर। अरे छेड़ो। ओ सर अच्छा भाई जरा ये बताओ कि तुम किसी की दिलरुबा हो या किसी की दिलरुबा होना चाहती हो? ए बाबू मैं हूँ दिलरुबा धोबन, खिल उठा है मेरा जोबन, मैं 16 साल की हूँ। वेल तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का। और चेड़ो come on go on, आएगा भी आएगा मुन्ना, आएगा मुन्ना। मुन्ना आएगा? मुन्ना कौन है सर? ज्यादा है छोटे से ये मुन्ना। अरे अरे दिलरुबा मेरा मतलब है दीदी। ओए मां दीदी आपने बताया नहीं दीदी के जीजा जी भी साथ आए हैं। हाय। वेल तुम हो मेरी सिस्टर इज द स्टॉप योर मिस्टर इज द। हाँ ठीक है दद्दू, मुन्ना ठहरो, इन दोनों ने मुझे सिस्टर कह दिया, इस नाते ये दोनों मेरे भाई हो गए और तुम्हारे हो गए साले। ने, 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 ने। इसकी सुधाई कर करके तुम्हारे हाथ में हो गए छाले। जाने दो, मैं हूँ दिलरुबा धोबन, खिल उठा है मेरा जोबन, मैं 16 साल की हूँ। पता है भैया भैया मेरे मुन्ना ने इसकी सुताई क्यों की? क्योंकि इसने मेरी नाजुक कलाई जो पकड़ ली थी। सर क्या सर आप ऐसे छिछोरे सिटियारे टाइप के आदमी निकलेंगे सर, मैंने सोचा भी नहीं था सर। yes! सर वहां पर आपके चंचल को पकड़ने गए थे और आप वहां दिलरुबा मतलब दीदी को पकड़ लिया सर आपने। बकवास बंद करो, मैं रपटा देंगे तुम्हें, हम चंचल को पकड़ने गए थे, भूत दिलरुबा को पकड़। हमारा मतलब है भूल से हमने दीदी को पकड़ लिया, बाय मिस्टेक, जानबूझ के नहीं किया। बताओ पे हम कौन है यहाँ के, बताओ उनको। अरे हाँ दीदी जीजा जी आपको शायद पता नहीं है लेकिन ये यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं, बजरंग पांडे। साहब लेकिन साहब आपने बताया क्यों नहीं? अबे बताने का मौका कहाँ दिया बे, जैसे मुंह खोलते थे वो दे देता था हमको मुंह पर। अबे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे, आर्मी में भर्ती हो जाओ, तुम्हारे जैसे लोग की जरूरत है वहां पर। सॉरी साहब जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं हूँ दिलरुबा धोबन, खिल उठा है मेरा जोबन, मैं 16 साल की हूँ। अच्छा साहब हम चलते हैं, चलो मुन्ना चलो। बाय दीदी, बाय जीजा जी। गोद में जाके बैठ जाओ उनके गोद में। सर रिश्तेदार बन जाओ उसके, क्योंकि हमें मार रहा है और तू बाय बाय बोल रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। सब ठीक हो जाएगा सर। अब सर अगर ज्यादा चोट लगी हो तो शाम को दो दो छोटे छोटे। देखिए अभी ज्यादा लगी, डॉक्टर को बुलाने की बजाय थोड़ा थोड़ा कर रहा है। सर मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि कल रात आप मेरे घर पर आए थे, चंचल सब जानती है ना, चंचल को पकड़ने आए थे लेकिन वो धोबन दिलरुबा और उसके पति से मार खा के आ गए।
हाँ वो दोबन तो मुझे भी कई बार पीट चुकी है, बहुत जोरों से मारती है वो, लेकिन चंचल सब जानती है। और सर आप क्या सोचकर चंचल को पकड़ने के लिए आए थे? क्या चंचल कोई मैंगो लड़की है? मतलब कि आम लड़की है, कोई रेगुलर लड़की है? अरे वो पेंटिंग वाली लड़की है, और आप उसे पकड़ने आने वाले थे ये जानती थी, क्योंकि चंचल सब जानती है। अबे तो हमें ये सब बताना है चौकी, आज के दिन है? नहीं सर, कल रात को मैं सोया था, मेरे कमरे में कुछ हो रहा था, अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चंचल नाच रही है और मुझसे कह रही है कि आप मेरे घर पर आए थे, चंचल सब जानती है। और हाँ, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, चंचल आप पुलिस वालों को कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती है, क्योंकि चंचल सब जानती है। Well, what is the information? Is the लखनऊ में है चारबाग स्टेशन, is the इंफॉर्मेशन ये है दादाजी, यानी कि चंचल आप पुलिस वालों से ये कहना चाहती है कि आज रात को चिटपुटिया गंज चुंगी से स्मगलिंग के सामान से भरा हुआ ट्रक गुजरने वाला है। उस ट्रक को चलाने वाले का नाम है जीवन, आप उसे पकड़ ले, क्योंकि चंचल सब जानती है। वो तो आज रात को पता चल जाएगा कि चंचल सब जानती है या नहीं। क्या नसीब है इसके, ये नाच देख रहा था, मुंह में नचाए जा रहा था। चंचल सब जानती है। रोक ओए, रोक। अच्छा हुआ पुलिस में भर्ती हो गए। नीचे आ जाओ। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ क्यों रोका? जीवन है धोखा टमाटर के खेत में। नाम क्या है तेरा? जीवन। ओहो जीवन भाई, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ से एक ट्रक जा रही होगी रात को, जिसमें होगा स्मगलिंग का माल, और उसे चला रहा होगा कोई जीवन नाम का आदमी। अब तेरे ट्रक में क्या है? अरे नहीं, वो इसमें तो टमाटर है सरकार। तो भाई हमें भी दिखा दे टमाटर कितने लाल है। चलो जी 5 किलो आपको बांध देता हूँ, चटनी बनाकर खाना। आया जी, आया आया आया। पुलिस में भर्ती क्यों? घूसा खाने के लिए। पुलिस में भर्ती क्यों हुआ था? हेलो, हाउ आर यू जीवन, कैसे हो? चौकी चले, यहीं बस आगे से लेफ्ट। ऑटो ले लो आप, मुझे बहुत जल्दी है। ना ना, टेम्पो में जाना पसंद हमको। चलो गुड बॉय। गोपी, इस सर के बस का कुछ है नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता। कल कैसे वो उस मुन्ना से पिट के आ गए थे, आज उस जीवन से पिट के आ जाएंगे, देखना। चल बैठ, खड़े रह, सीधे खड़े रह। जीवन, जीवन को आज तक जीवन में किसी ने अरेस्ट नहीं किया, और जिसने भी अरेस्ट किया उसे मौत ने अरेस्ट कर लिया टमाटर के खेत में। अब एक रख के देंगे ना, सर पे टमाटर रुकेगा तेरा। खेत वेत की बातें करता है। ए गोपी, या ब्रो, सॉरी, या डूड, सॉरी, या पार्टनर, सॉरी, यस सर। अबे अंग्रेजी बहुत ज्यादा हो रही तेरी गोपी, हैं? सॉरी ब्रो, सॉरी अगेन सर। बंद कर जाके उसको, चल बंद कर उसको। उसका इंग्लिश बहुत ज्यादा हो रहा है गोपी का। ब्रो बहुत ज्यादा हो रहा है ब्रो। ब्रो इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। ए ब्रो, मिस्टर बजरंग पांडे, हमें खुशी है कि आपने स्मगलिंग के सामान से भरा हुआ ट्रक पकड़ लिया। I'm proud of you. Thank you, sir. इंस्पेक्टर चंद्रमुखी जी कहाँ हैं? सर हमारी उनसे बात हुई है, वो डॉक्टर के पास गई है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। ओहो, देखो
उन्हें अकेला बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जिसने उन पे हमला करवाया था वो सर एक आदमी। सर मैं आपको कह रही हूं ना, मैं ओ भैया। अरे मिश्रा आप ठीक तो है ना? सर यहाँ एक भुता, वो पप्पू प्लास्टर ने करवाया था जो कि पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा। पर एक और इंफॉर्मेशन मिली है कि उनपे दोबारा हमला हो सकता है। क्या बात करें सर, आप फिर तो मैडम को संभल के रहना चाहिए। यस आप फिक्र ना करिए सर, हम खुद उनके साथ रहेंगे, हम खुद उन्हें घर छोड़ने जाएंगे, और जब हम उन्हें घर छोड़ देंगे तो दो सिक्योरिटी गार्ड गन के साथ उनके बाहर चौकीदारी करेंगे। हम ये सब चीजों को ध्यान में रखेंगे सर। वेरी गुड। उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता सर, डोंट वरी। What happened, bro? इसे क्या हुआ? पड़ी? Yo. गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं मिस चौटाला, बस यूं ही। सर आपकी आवाज रुआसी लग रही है सर, आर यू ओके? बिल्कुल ओके मिस चौटाला, हम रुआसे नहीं है, हाँ थोड़े दुखी जरूर है कि भगवान ने आपकी आंखों को धुंधला सा कर दिया। मेरे साथ ये सब हो जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपके साथ ये सब क्यों हुआ? सर ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, अब जो हुआ सो हुआ सर। अबे हिम्मत कैसे भी तुझे, मछड़ा लाभ हमारे पास आई, यहाँ से कोई भी आ सकता है मछड़ा लाभ। सर सर कौन था यो? मछड़ा लाभ ने आपको बताया नहीं, लेकिन कमिश्नर साहब ने हमसे कहा था कि आप पर हमला हो सकता है। मछड़ा लाभ हम आपके साथ थे, वरना कुछ भी हो सकता था आज। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे मछड़ा लाभ, हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे।